दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको साड़ी पर फॉल लगाना बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं साड़ी पर फॉल लगाना। देखिए, मैंने ये फॉल ली है साड़ी की। इसमें इस साड़ी को आपको 10 इंच पर आपको पल्लू को छोड़ना है। 10 इंच पर पल्लू को छोड़ने के बाद यहाँ से आपको साड़ी पर फॉल लगाना शुरू करना है। और इस फॉल को मैंने फोल्ड कर लिया है। देखिए आप, इस तरीके से मैंने साड़ी को के ऊपर रखकर फॉल को फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा। और यहाँ से जहाँ पे हमने 10 इंच का निशान लगाया था, वहीं से मैं फॉल लगाना शुरू कर रही हूँ। देखिए, मैं एक तरफ मशीन से फॉल लगा रही हूँ और एक तरफ हाथ से। देखिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि एक बार इस मशीन को चलाना है, थोड़ी सी चलाना है, फिर इसे पीछे करना है ताकि उससे वो सिलाई डबल हो जाएगी, उससे सिलाई नहीं निकलेगी। उसके बाद में आपको ये साड़ी पर एक तरफ फोल्ड मशीन से इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए, आपको फोल्ड को ऊपर रखना है। फोल्ड की जो लास्ट वाली साइड रहती है, इसको आपको बाहर नहीं, इसको अंदर की तरफ रखना है। देखिए, इस तरीके से साड़ी को आपको ज़्यादा खींचना नहीं है। हल्के हल्के हाथों से आपको साड़ी को पीछे की तरफ ले जाना है और इस तरीके से आपको फोल्ड लगाना है। लेस वगैरह आती है तो आप लेस को देखकर भी फॉल लगा सकते हैं कि नीचे की तरफ फॉल लगाना है आपको लेस देखकर, तो आपको उससे आसानी होगी कि आपको किस तरफ से आपको फॉल लगाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है फॉल को, वरना ज़्यादा खींचने से क्या होगा कि सर्ल आ जाएंगे। तो आपको इसको भी सिर्फ हल्का छोड़ना है, बस फोल को हल्के से छोड़ना है और वो आसानी से उस पर सिलाई लग जाएगी। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको फोल्ड करना है थोड़ा सा। ये जो इसमें धागा निकला हुआ है ना, इसको फोल्ड करने से ये धागा नहीं निकलेगा। तो आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए, और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल सिलाई लगानी होगी, नहीं तो धागा निकल जाएगा फोल में से। तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट बार हमने जो आगे पीछे सिलाई लगाई थी, वैसे ही आपको यहाँ लास्ट में भी लगानी है। देखिए इस तरीके से, और ये आपकी एक तरफ साड़ी पर फोल लग गई है। अब हम एक तरफ हाथ से लगाएंगे फोल। देखिए, मैंने एक पटिया लिया है, इस तरीके का पटिया या कुछ भी अगर आपके पास है तो आप उसको रख लीजिए, तो उससे फोल लगाने में आसानी होगी। तो मैंने ये पटिया लिया है, अगर आपके पास इसके अलावा कुछ है तो आप उसको भी रख सकते हैं। देखिए, मैंने साड़ी को इस तरीके से बिछा दिया है। हमने एक तरफ मशीन से लगाई थी, हम एक तरफ हाथ से लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक साइड फोल्ड कर रखी थी। देखिए आप, मैंने इसको फोल्ड कर रखा था और इसको भी ऐसे ही फोल्ड आपको रखना है एक जैसा, और साड़ी को इस तरीके से बिछा देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो सुई है, छोटी सुई, इसमें आपको धागा निकालना है। देखिए, ये इस तरीके से आपको धागा निकालना है और धागे की को डबल करके आपको निकालना है। डबल करके धागे को निकाले सुई में से, और ये जो लास्ट धागे में मैंने लास्ट के पर यहाँ पे गठान लगाई है। और फिर आपको क्या करना है कि ये जो धागा है, इस धागे में ये इस तरह के मुँह को मैंने खुला छोड़ा है। देखिए आप, इसको मैंने खुला छोड़ा है, ये से ये खुला, और एक साइड मैंने गठान लगाई है। तो आपको इसको खुला ही छोड़ना है,
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मैंने सिर्फ एक बार फॉल में से इस धागे को निकाला है, एक बार निकालने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमने गठान दी थी, इस गठान के इन दोनों धागों में से इस सुई को इस तरीके से निकालना है। देखिए, इस तरीके से निकालने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फॉल हम लगा रहे हैं, ये फॉल इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, ये धागा नहीं निकलेगा इसमें से। देखिए, फिर उसके बाद में आपको आप फॉल लगाना शुरू करें। देखिए, तो इस तरीके से आपको फॉल लगाना है। आपको धीरे धीरे इस धागे को फॉल में से निकालें ताकि गठान नहीं आए। ये इस तरीके से आपको इसके सल निकाल देना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे इसको धागे को फॉल में से निकालना है ना। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बिना गठान लगाए आप धागा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो फॉल बड़ी रहती है, इसमें हम इतना धागा नहीं ले सकते। अगर हम इतना धागा लेंगे ना, तो वो गठान लग जाएगी। तो उसकी वजह से देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको धागा चेंज करना है। साड़ी को आपको एक जैसी रखना है ताकि वो सल ना आए। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये मैंने इस सुई को निकाल दिया है, देखिए, और ये धागा छोड़ा है। अब हमें क्या करना है कि इन सल को एक जैसा हमको इसको ऐसे फैला देना है। ये देखिए, एक जैसी इस पर प्रेस कर लेनी है। देखिए, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। हाथों से आप इस पर ऐसे प्रेस कर लीजिए, ये सल निकाल दीजिए इसके। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको इसमें से धागा निकालना है। देखिए आप कि मैं किस तरीके से इसमें से धागा निकालूंगी। ये मैंने धागे की गिट्टी ली है और ये धागे के पॉइंट के वहाँ से मैंने इस धागे को, ये जो हमने फोल्ड किया था ना, मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है और मैं इस धागे को इसमें से निकाल रही हूँ। देखो, मैंने गठान नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ इसमें से इस धागे को निकाला है और फिर मैं बराबर करके मेरे को जितना धागा चाहिए मैं उतना ले लूँगी। फोल्ड के हिसाब से आप देख के धागा ले लीजिए। ये मैंने सुई के पॉइंट में से इन दोनों धागों को निकाल लिया है। देखिए, इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। मैंने इसको खुला छोड़ा है, देखिए, मैं इसे खुला छोड़ूंगी और फिर आपको इस साड़ी को प्रेस कर लेना है हाथों से। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो एक बार आप इसको सुई को निकालोगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में आप इसको इस तरीके से ये निकाल दीजिए। फिर आपको इस तरीके से फिर फॉल लगाएं। फिर आपको इसको लास्ट में फिर थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, फॉल को। फोल्ड करने के बाद आपको फिर इसको इस तरीके से धागे को निकालना है फॉल में से। फिर यहाँ पे इसको आपको जॉइन करना है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने धागे को ऐसे निकाला है और इसमें से आपको सुई को निकालना है। ऐसे एक बार निकालने के बाद आपको दोबारा इस धागे में से सुई को निकालना है ताकि वो अच्छे से। मैं एक बार और दो बार मैंने इसमें गठान लगाई है। देखिए, ये इस तरीके से
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए।